गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। हम आशा करते हैं कि आप लोग सब सही सलामत हो। मैं भी ठीक हूँ और मेरी परिवार के हर सदस्य ठीक ठाक है। तो मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने एक डेली ब्लॉग लेकर। तो अभी देखो, सुबह नहा धोकर कपड़े सुखाने के लिए छत पे मैंने डाल दिए और घर भी साफ कर लिया। उसके बाद मैं आ रही हूँ किचन में। तो किचन में आके कपड़े सुखाने जाने से पहले ही मैं गैस पे चावल के लिए पानी चढ़ा दिया था और इधर मैंने मछली भी निकल के रख दिए है। तो आज दाल बनेगा, मछली और चावल और एक सब्जी बनाऊंगा। तो चलो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाया। तो आज मुझे जाना है शॉपिंग करने के लिए, तो इसीलिए बिल्कुल नॉर्मल सा खाना मैं बना रही हूँ। तो देखो, सुबह के लिए मैंने बना लिया देसी पिज्ज़ा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा चीज़ है, आटा उसके अंदर एक डाला और मिर्ची नमक हल्दी डाल के इसको बना लिया और रोटी की तरह। तो ये मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए मैं बना लिया। और ये सब्जी सारे काटने के बाद मैं बनाऊंगा और उसके बाद और दाल के साथ मैं बनाने वाली हूँ मछली को फ्राई करने वाली हूँ। तो इधर मछली मेरा फ्राई हो रहा है। उसके बाद खाना वाना खाना है, दोपहर की लंच ख़त्म करके ही मुझे निकलना है, इसीलिए बिल्कुल सिंपल सा लंच मैं बना रही हूँ। और आज मैं पहली बार हिंदी में ब्लॉग बना रही हूँ, पूरा ब्लॉग। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। ये खाना मेरा सारा रेडी हो गया, अभी बस मछली फ्राई कर रही हूँ, चावल भी इधर बन चुका है। तो मछली फ्राई करने के बाद खाना खा के हम लोग निकल चुके स्टेशन के लिए। तो स्टेशन में आ गए हम, देखो काफ़ी धूप है। अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमारी जो बंगाली न्यू ईयर है वो आने वाला है और उसके बाद मेरी बेटी का जो नया सीज़न है वो भी शुरू होने वाला है पढ़ाई का। तो अभी देखो ट्रेन आ गया स्टेशन में, हम ट्रेन में चढ़ने के लिए खड़े हैं। तो हम ट्रेन में चढ़ चुके और उसके बाद देखो हम ट्रेन में सफ़र करते हुए जा रहे चाकदा में, जो हमारी स्टेशन की एक स्टेशन बाद है। तो स्टेशन में पहुंचने के बाद ही देखो हम इधर मतलब स्टेशन से निकल गए और मार्केट की बाहर मार्केट में जा रहे हैं। तो शॉपिंग मॉल के अंदर कोई वीडियो करना अलाउ नहीं था, इसीलिए शॉपिंग तो कर लिया, आप लोगों से बाद में शेयर करती हूँ। और देखो मैं, मेरी बेटी, मेरी दीदी और दीदी की लड़का चारों मिल के आ गए खाना खाने के लिए। तो शॉपिंग करने के बाद हमें भूख लग गई थी, तो काफ़ी फ़ोटो भी खींच लिए और उस दिन हमने खाया पिज्ज़ा खाया। और तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद पिज़्ज़ा ख़त्म किया। उसके बाद हमारी आ गई थी हंडी बिरयानी, तो इसके बाद हमने हंडी बिरयानी को खाया और इधर ही हमने रात का डिनर भी कर लिया था। उसके बाद काफ़ी सारे शॉपिंग हमारे बाकी थे, तो बच्चों की कॉपी वगैरह लेना था तो उस दुकान में गए, काफ़ी सारे चीज़ें खरीदा। और रात को हम थोड़ा लेट ही हो गया था हमें घर पहुँचने के लिए उस दिन। तो उस दिन मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए संडे को। तो हमारी जो बंगाली न्यू ईयर है वो आने वाला है, इसलिए बेटी के लिए काफ़ी कुछ शॉपिंग किया। चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो प्लीज़ मुझे आप लोग सही कर देना और कमेंट में बता देना मुझे, तो मैं वो चीज़ सही कर लूँगा। तो पहले एक टी शर्ट लिया मैंने, थोड़ा सा ओवर साइज है उसको आएगा, फिर भी वो ओवर साइज पहनना पसंद करता है इसलिए लिया। तो एक टी शर्ट लिया और एक लिया जेगिंस, जेगिंस लिया एक हाई वेस्ट जेगिंस और एक वाटर बॉटल लिया। उसके बाद और भी काफी कुछ शॉपिंग किया, चलो आप लोगों के साथ शेयर कर। उसकी फेवरेट कलर है पिंक और
इसलिए पिंक कलर का लिया मैंने। तो कैसा लग रहा है बॉटल जरूर कमेंट में बताना। और एक येलो कलर का टी शर्ट, ये भी बेटी के लिए ही है। और लिया, और एक टॉप लिया, तो ये टॉप जींस के साथ और कोई भी पैंट हो उसके साथ, जेगिंग्स के साथ, हर किसी के साथ जाएगा, इसलिए ये टॉप लिया मैंने। और मेरे लिए लिया एक रेड कलर का प्लाजो पैंट, और उसके साथ ही लिया एक रेड कलर का दुपट्टा। ये मेरा शॉपिंग है और सारा चीज़ बेटी के लिए ही खरीदा मैंने। और एक टी शर्ट लिया घर में पहनने के लिए, नॉर्मल सा टी शर्ट। ये एक टी शर्ट है, प्लेन नॉर्मल टी शर्ट, इसको मैंने घर में पहनने के लिए ले लिया। और लिया उसकी जो स्कूल का हाउस ड्रेस है वो भी खरीद लिया, उसी दिन ही, दो दिन पहले ही हमें पता चला है इसलिए उसी दिन खरीद लिया। तो ये एक ग्रीन कलर का ड्रेस है, उसकी जो हाउस है वो नेताजी हाउस है, इसलिए ले लिया मैंने। और उसके साथ पैंट, और भी काफ़ी सारी चीज़ खरीदा। तो ये क्रांची दो, और A3 5, उसके लिए रबर बैंड लिया मैंने, और एक हेयर बैंड। तो यही शॉपिंग किया उस दिन, और बुक्स खरीदा, और उसके बाद कॉपी और जो पढ़ाई का सामान चाहिए, कलर, ड्राइंग कॉपी, ये सब भी खरीदा है। तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ, बस जो कपड़े मैंने खरीदा है वही आप लोगों को दिखाया। कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि हिंदी में ब्लॉग बनाने के लिए, तो बस उन्हीं के लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और अगर आप लोग बोलोगे कि अच्छा लगा आप लोगों को, मैं फिर से दोबारा से कोशिश करूँगी ऐसे हिंदी में ब्लॉग बनाने के लिए। सो आज के लिए ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आप लोगों से मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। मुझे कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं मैंने क्या किया, गलती क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो मैं कोशिश करूँगी हर चीज़ों को सही करने की धीरे धीरे। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ।